An Academy. Let's crack it. मैम अंदर टू क्वेश्चंस फ्रॉम राहुल एंड आदित्य, दे आर स्लाइटली डिफरेंट. उनका ये पूछना है कि जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, कौन सी 5 बेस्ट क्वालिटी उसमें होनी चाहिए. एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि उन्होंने एकाध अटेम्प्ट दिया और उसमें फेलियर मिला है, सो दे आर फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड एंड कोरोना के चलते लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे और डिप्रेशन आ रही है. सो देन व्हाट टू डू फॉर दिस. इसका मतलब तुमको समय की कीमत पता नहीं. Yes. प्रेशर तो होगा ही क्योंकि आपको अपने समय की वैल्यू ही नहीं पता. अगर कोविड आ गया तो इसका मतलब उसने समय आपको और दे दिया, आपको समय और हाथ में और दे दिया. और अनअकैडमी जैसे आप की सारी वेबसाइट भरी हुई है, शिक्षा में पढ़ते रहो, जितना पढ़े कम है. आप तो यूपीएससी में पास होने के लिए उसने कोविड ने आपको टाइम दे दिया. आप टाइम मांगते थे, आपको टाइम दे दिया. आप कहते हैं कि कोविड आ गया, मेरा डिप्रेशन में आ गया, तुम नहीं पास हो सकते. सॉरी, अगर तुम को समय को सदुपयोग करना आता नहीं तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति की सरकार में नहीं जरूरत. आप बाहर ही रहिए. तो इसलिए मेरे ख्याल है जिसको अपनी समय पता ही नहीं कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, ये एक अपॉर्चुनिटी आई है, ये चैलेंज नहीं आया, ये अपॉर्चुनिटी. कोविड समय खासकर जिसने यूपीएससी का ध्यान देना है उसको तो डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है. ना घर कोई आएगा, ना तुम जाओगे, ना घर आएगा कोई तंग करने, ना तुम किसी को तंग करने जाओगे. और घर बैठे आपके पास अनअकैडमी का सारा कंप्यूटर भरा हुआ है, किताबें पढ़ी हैं, नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, आप सुन सकते हैं सब कुछ. तो आप तो पास हो जाओगे. और अगर आपको डिप्रेशन है, इसका मतलब अभी आपकी तैयारी, आप तैयार नहीं है इम्तिहान के लिए. आपका एटीट्यूड नेगेटिव है. अपने एटीट्यूड को नेगेटिव करो, हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बनाओ और साधन देखो और अनअकैडमी की वेबसाइट को डट के पढ़ो, तैयारी हो जाएगी, यूपीएससी में पास हो जाओगी. लेकिन अगर आपको समय का सदुपयोग नहीं आता, साधनों को पहचानना नहीं आता है, तो फिर अभी आपको कुछ और काउंसलिंग चाहिए, यूपीएससी नहीं चाहिए. जी मैम, आपने सही कहा, कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए.